चलिए फिजिक्स का नया चैप्टर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अपन, और ये चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन, कि मोशन बोलते किसको हैंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉडी है, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी मोशन में है। जैसे आप बाहर खड़े हैं, और बाहर खड़े होकर आपके सामने से एक कार मूव कर गई, तो कार मूव कर गई ना, तो ये कार कायम है मोशन में है। जैसे अगर कोई चल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, उसी को हम मोशन बोलते हैं। जैसे अगर आप घर के ऊपर देखें तो फैन मूव कर रहा है, फैन की जो ब्लेड से मूव कर रही है, तो आप बोलेंगे कि फैन कायम है मोशन में। ऐसे आप न्यूमरस एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। हमें बस ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होगी या मोशन क्या होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाए, तो उसको हम मोशन बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि सिंपली वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहे हैं कोई, अपन यहाँ पे मोशन बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर टू ये है कि ध्यान से देखें, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर वन डेफिनेशन लिखी है, और पॉइंट नंबर टू एग्जांपल जो अपन को समझ में आ चुका है कि अगर कोई कार मूव कर रही है, कोई कार, तो उसको हम बोलेंगे कि कार मोशन में। पॉइंट नंबर टू लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो हम उसको डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो सकता है। तो जिस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं जमीन पे, मैं रोड पे खड़ा हूं, और मेरे सामने से कार निकल गई, मैं रोड पे खड़ा हूं और कार मूव करते हुए निकल गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि कार इज इन मोशन। मैं स्टेशनरी था और कार मेरे को जाते हुए दिखी, तो मैं क्या बोलूंगा, कार इज इन मोशन, कार मूव कर रही है। लेकिन और मैं अपने आसपास की चीजों को देखूं, जैसे मेरे आसपास अगर पेड़ लगाए, मेरे आसपास लैंप पोस्ट लगाए, तो ये सारी चीजें मुझे रुकी हुई दिखेंगी, तो ये क्या बोलूंगा, तो जो चीज मोशन में नहीं होती वो कायम होती है रेस्ट में। तो मैं बोलूंगा ट्रीज आर इन रेस्ट, ये जो लैंप पोस्ट है ये रेस्ट पे खड़ा है। मान लो मेरे आसपास दो तीन लोग खड़े हैं, वो भी चल नहीं रहे, रुके हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये लोग रेस्ट पे हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या मैं क्या हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे रेफरेंस में, मेरे रिस्पेक्ट में कार तो मोशन में थी, लेकिन ट्रीज काय में थी, रेस्ट में थी। समझ में आ गया, मेरे रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, रोड के रिस्पेक्ट में देखो, या मेरे रिस्पेक्ट में देखो, तो कार काय में ही मोशन में, लेकिन ट्रीज को देखो तो काय में दिख रही है, रेस्ट में, मुझे काय में दिख रही है, रेस्ट में दिख रही है ना। ठीक है, लैंप पोस्ट को देखो, जो लैंप लगा हुआ है रोड पे, स्ट्रीट लाइट्स लगी है, वो मुझे काय में दिख रही है, रेस्ट पे दिख रही है, वो मूव करते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा आदमी जो उसी कार में गया है, जो कार में बैठ के गया है, जिस कार को अपन ने देखा था, तो जो आदमी कार में बैठा है ना, उसको ऐसा लगेगा कि कार रुकी हुई है। ध्यान से बात सुनना, जो आदमी कार में बैठा है उसको नहीं लगेगा कि कार चल रही है, लेकिन जब वो बाहर झांक के देखेगा, तो कार जैसे जैसे आगे जाएगी, बाकी चीजें पीछे आती है, अपन ने भी देखा है, कार के बाहर झांक के देखा अपन ने, तो अपन कार आगे जा रही है और बाकी चीजें पीछे जा रही है, हालांकि बाकी चीजें पीछे जा नहीं रही है, वो तो रुकी है। देखो कार आगे जा रही है, तो जब कार आगे जा रही है, तो कब, जब कार आगे जाती है, तो अपन को ऐसा लगता है कि ये वाली चीजें मूव करेंगे। जैसे पेड़ को देखा तो पेड़ पीछे जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स को देखा तो वो पीछे जा रही है, कोई आदमी रुका है तो वो पीछे जा रहा है। तो कार वाला क्या बोलेगा कि ट्रीज मोशन में, कार वाला बोलेगा कि ये लैंप मोशन में, कार वाला ये बोलेगा कि यार ये जो आदमी खड़े हैं ये खड़े नहीं है, तो मोशन में और ये पीछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा, तो मोशन किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो किसी के रिस्पेक्ट में, और कोई ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं तो रेस्ट पे खड़ा था, मैं रेस्ट पे खड़ा था, तो मैंने देखा कि यार कार मूव कर रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में कार मोशन में, लेकिन कार वाले के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हो गया था। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, वो डिसाइड करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, हमें बात करना पड़ेगा किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, देखो ऐसा सीधा जा रहा है, ऐसा zigzag मूव नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट सीधा मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, तो उस मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन वन डी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये मोशन के बारे में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, फर्दर पॉइंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।